नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बहुत ही हेल्दी चकुंदर और खजूर के लड्डू बनाने जा रहे हैं। चकुंदर और खजूर के लड्डू बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स आपके स्क्रीन पर हैं। तीन से चार चकुंदर, कंडेंस मिल्क, डेस्टिकेटेड नारियल, बादाम पानी में भीगे हुए, अंजीर चार, 10 से 15 के करीब खजूर, काली किशमिश आधी कटोरी के करीब है। हमने सारे चकुंदर जो है पहले कुकर में 2-3 सीटी लगाकर बॉईल कर लिए थे और अपने ड्राई फ्रूट को हमने पानी में भिगो दिया था। इसके बाद हमने सबको सुखा दिया है, सुखा कर और पीस लिया है मिक्सी में। पीसने के बाद आप इसे एक पैन में देसी घी डालें और उसके अंदर आप ये सारा जो हमने पीसा है वो डाल दें और अच्छी तरह से इसे पकाएं, उसको अच्छे से भूनें इसको। इसके जो मेन इंग्रेडिएंट हैं वो सिर्फ इसमें ये नारियल डाला है मैंने, थोड़ा जो है खजूर और चकुंदर है, बाकी चीज़ें आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं। कंडेंस मिल्क मैंने घर में ही बनाया था, आधी कटोरी के करीब डाला है। स्वाद के लिए डाला है क्योंकि अकेला चकुंदर खाने में आपको बिल्कुल टेस्टी नहीं लगेगा, तो उसके स्वाद को बढ़ाने के लिए मैंने ये सब चीज़ें डाली हैं इसमें। सिर्फ मैं चकुंदर और खजूर से बनाती तो इतना स्वाद नहीं आता उसमें। ठंडा होने पर उसको आप हल्का ठंडा कर लें, बिल्कुल ठंडा ना करें। आप इसके इस तरह से गोल गोल गोले बना लें या आप इसे बर्फ़ी की शेप भी दे सकते हैं, चौकोर टुकड़ों में जैसे भी आप काट सकते हैं। लड्डू इसके ज़्यादा अच्छे लगते हैं। लड्डू बनाने के बाद हम इसे थोड़ा सा अच्छा खूबसूरती देने के लिए, थोड़ी ये सब चीज़ें ज़रूरी नहीं है आप ना भी ला लें, तो इस तरह से नारियल के बुरादे में आप इस तरह से लपेट लें इसको अच्छे से। ये हमारे हेल्दी वाले बहुत ही बढ़िया लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं। रेसिपी पसंद आने पर आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और आप भी अपने घर में बनाएं और बच्चों को खिलाएं, आप भी खाएं, फैमिली को खिलाएं और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को आप शेयर करें और कमेंट भी करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।